तिकडे ज्ञानवापी मशिदीचं सत्य नेमकं काय आणि कधी समोर येणार याची उत्सुकता वाढत चालली आहे. ज्ञानवापी प्रकरणी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. आता उद्या दुपारी 3 वाजता ही सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात उद्या ही सुनावणी होईल. वाराणसी सत्र न्यायालयाची सुनावणीसुद्धा टळली आहे. वाराणसी कोर्टसुद्धा उद्यालाच सुनावणी करणार आहे. तिथे ज्ञानवापी प्रकरणी वाराणसीच्या न्यायालयामध्ये कोर्ट कमिशनरनं आपला अहवाल सादर केला. या अहवालावर आज वाराणसीच्या न्यायालयात सुनावणी होणं अपेक्षित होतं. ज्ञानवापी प्रकरणी अजय मिश्रा यांनी अहवाल सादर केला. यामध्ये देवी देवतांच्या कलाकृती इथे सापडल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसंच मंदिर असल्याचे पुरावे मिळाल्याची सुद्धा माहिती या अहवालात आहे. दरवाज्याच्या जवळ कमळाची आकृती मिळाली असून इथे देवी देवतांच्या प्रतिकृतीसुद्धा आहेत. तसंच शेषनागासारखी आकृती सापडल्याचं यात नमूद करण्यात आलं आहे. या सगळ्याची संपूर्ण व्हिडिओग्राफी करण्यात आली आहे. शिलालेखावर 4 रेखाटनं सापडली असून यातली 4थी आकृती ही मूर्तीच्या प्रकारची आहे. त्यावर कुंकू लावलेलं सुद्धा पाहायला मिळालं. ये अब माननीय न्यायालय इस पर अपने ढंग से उसको किस ढंग से विशेषज्ञों को बुला के और उस पर चूँकि उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे फिर वो लिखित रूप में आएगा. एक लंबी कवायद है. ये माननीय न्यायालय का पर निर्भर करता है वो कैसे करते हैं. इसके लिए टाइम लगेगा काफ़ी. जी अवधि लगनी है. इतना आसान नहीं है. तो उसके लिए टाइम मिलेगा. अभी यहाँ पर बताया जाएगा कि नहीं. आज तो बहर हम लोग अपने कई प्रार्थना पत्र दिए. आज के अवधि हमें प्राप्त हुई है तो माननीय न्यायालय अपने ढंग से उसको करेगा. कमीशन रिपोर्ट की भारी घमाघमी रही. 4:30 बजे कल अजय मिश्रा जो रिपोर्ट 2 दिन का उन्होंने सबमिट किया. आज जो है 10:30 बजे विशाल सिंह अजय प्रताप सिंह ने अपनी डिटेल जो 3 दिन की थी जिसमें अंदर जो अंडरग्राउंड जो ये फर्स्ट फ्लोर हम लोग जिसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं उसकी बाबत और अंदर जो चीजें उन्होंने 3 दिन देखी उसकी विशाल एकदम एग्जॉस्टिव और बहुत डिटेल सर्वे कमीशन रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया. उसके साथ उन्होंने चिप्स दाखिल किया जिसमें फोटोग्राफ्स हैं जिसमें वीडियोग्राफी है और वो सब चीजें कोर्ट ने 3 बक्से में सील करवा दिया है. अब उसकी कॉपी जो है विपक्षी के अधिवक्तागण को मुहैया कराई जाएगी. जब उनको कॉपी मिल जाएगी तब वो उस पर जो है कोर्ट उसकी ग्राह्यता और उसकी आपत्ति इन्वाइट करेगी. तब कोर्ट उसकी ग्राह्यता पे बहस सुनेगी और वो कमीशन रिपोर्ट डैश उसको एविडेंस के तौर पे लिया जाए कि न लिया जाए उस पर फाइनल आदेश सुनाएगी.